गाइस, वेलकम बैक टू दीक्षा माता ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं मेरा स्कूटी का एसेसरीज लगवाने के लिए। वैसे तो सभी कोई शोरूम में ही एसेसरीज लगवा लेते हैं, जब न्यू गाड़ी को शोरूम से निकालते हैं तभी ये सब लगवा लेते हैं। और इसीलिए ही हम लोग को जो है शोरूम वाले लोग बोल रहे थे एसेसरीज वहीं लगवाने के लिए, बट थोड़ा सा महंगा लगा वहाँ पे। और अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं एसेसरीज लगवाने के लिए, वहाँ थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, उसके आधे दाम में ही हम लोग लगा सकते हैं। इसलिए अभी हम लोग आ गए हैं रांची के मेन रोड साइड, इधर ही हम लोग लगवाएंगे। और यहाँ पे अभी बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, आखिर रांची का मेन रोड है तो भीड़ तो रहेगा ही रहेगा। और इसीलिए ही अभी मैं मेरे हस्बैंड को स्कूटी चलाने के लिए दे दी हूँ, मैं अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, काफ़ी भीड़ लग रहा है। वैसे तो भीड़ भाड़ एरिया में मैं चलाई हूँ, बट फिर भी अभी मैं उनको दे दी हूँ। और घर से मैं ही चला के लाई थी मेन रोड तक, और यहीं पे बगल में ही डेली मार्केट भी लगता है, इसीलिए भी इतना भीड़ हो जाता है। देखिए अभी तुरंत गाड़ी कितना जमा हो गया, आगे से एक गाड़ी क्रॉस हो रही थी इसीलिए सब रुक गया है। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं, तो फटाफट से यहाँ पे एसेसरीज लगवा लेते हैं। यहाँ पे देखिए कितने सारे लोग आते हैं, काफ़ी सारा बाइक यहाँ पे हमेशा रखा हुआ रहता है। और अभी गए हैं मेरे हस्बैंड उनसे बात करने के लिए कि क्या क्या लगाना होगा, कौन कौन सब ठीक रहेगा नहीं रहेगा, ये सब पूछताछ करने के लिए गए हुए हैं। अभी हम लोग को मेरा स्कूटी में लगवाना होगा गार्ड किट आगे पीछे, और सीट कवर लगवाना होगा, इसके बाद लगाना होगा स्टेप पैर रखने वाला, और एक लेना है कवर जिससे स्कूटी को ढक सके, और ग्रिप कवर भी लेना है, और फिर लेना है मोबाइल माउंट। गार्ड किट अभी आ गया है न्यू, और गार्ड किट को अभी राइट साइड में लगाया जा रहा है। देखिए कितना अच्छा से लगा रहे हैं, ये लोग ये सबसे एक्सपर्ट हो गए हैं, ये सभी काम करते रहते हैं इसीलिए जल्दी जल्दी लगा रहे हैं। अभी राइट साइड वाला जो कि कम्प्लीट हो गया है, तो अब लेफ्ट साइड वाला लगेगा, ये पूरा टाइट टाइट हो गया है। अभी लेफ्ट साइड वाला वो लगाने जा रहे हैं, इसके बाद पीछे वाला भी वैसे ही लगाएंगे। न्यू प्लास्टिक से अभी खोल रहे, देखिए गार्ड किट में पहले रेपर लगाया हुआ था इसीलिए अभी देखिए जब रेपर हटा तो बहुत ही चमकने लग गया है। जो राइट साइड में गार्ड किट लग रहा था वो भी अभी कंप्लीट लग चुका है, अभी बस नॉट सब टाइट करना बाकी है। आगे वाला तो गार्ड किट लग गया दोनों साइड वाला, लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी, और अभी लगा रहे हैं पीछे वाला गार्ड किट, और इसके लिए जो कि पूरा खोल दिया गया है गाड़ी को। गाड़ी का जितना भी सामान रहता है ना वो सारा चीज नीचे रहता है, देख के आपको पता चल गया होगा, और ऊपर में खाली रहता है एकदम। अभी मेरा स्कूटी का चक्का के सामने वाला गार्ड किट लग रहा है, इसके बाद अभी आ गए हैं स्टेप लगाने के लिए जिसमें जो कि पैर रखा जाता है। पीछे वाला गार्ड किट कंप्लीट नहीं लगाए थे इसीलिए अभी दो जन आ गए हैं गार्ड किट लगाने के लिए पीछे वाला, और इसके बाद अभी लग रहा है मेरा स्कूटी में ग्रिप कवर। क्या होता है ना कभी कभार चलाते चलाते हाथ में पसीना आने लग जाता है, और अगर ग्रिप कवर ना रहे तो फिसलने लगता है, इसीलिए ग्रिप कवर भी लगा लिए। अब लग रहा है स्कूटी में नंबर प्लेट कवर। हम लोग का यहाँ आया हुआ कुछ टाइम तो हो गया है, अब भूख भी लगने लग गया तो कुछ खा लेते हैं। अभी आ गया हम लोग का रोटी और पनीर मसाला, खाना पीना तो कर लिए और अभी पेट भर गया है। अभी स्कूटी के पास वापस चलते हैं, कुछ कुछ काम स्कूटी का बाकी रह गया था, जैसे कि सीट कवर लगाना हुआ और छोटे छोटे कुछ काम था, तो वो सब हम लोग लगाने बोल दिए थे उनको। अभी हम लोग देख रहे थे मेरा स्कूटी के लिए एक अच्छा सा कवर, तो आर्मी वाला कवर ले लिए हैं, और इधर नंबर प्लेट भी लग गया है, और यहाँ पे मोबाइल माउंट लग गया है जिससे मैं गाड़ी चलाते चलाते आराम से ब्लॉगिंग कर सकती हूँ। सारा काम तो हो गया है इसीलिए अभी वहाँ से निकल गए हैं। जिस काम के लिए आए हुए थे वो काम तो कंप्लीट हो चुका है, और फिलहाल यहाँ पे अभी कुछ काम है नहीं, तो वापस घर के लिए निकलते हैं। और अभी यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, आदमी देखिए कैसे आ जा रहे हैं, गाड़ी चल रही है, इसीलिए अभी मेरे हस्बैंड को ही मैं स्कूटी चलाने के लिए दे दी हूँ लगभग मोराबादी तक, उसके बाद मैं चलाऊँगी और घर तक ले जाऊँगी चला के।
और ये रह गया लेफ्ट साइड में रांची नगर निगम। और एक बार ट्रैफिक में फंस गए यहाँ पे, अभी ट्रैफिक खुल गई है तो फटाफट से निकलते हैं यहाँ से। अभी कुछ दूर बाद मिलने वाला है मोराबादी, और मैं बोली थी कि मैं मोराबादी से चलाना स्टार्ट करूंगी स्कूटी, अभी तो फिलहाल मेरे हस्बैंड ही चला रहे हैं। पता नहीं मोराबादी पहुंच गई थी इसीलिए मैं ले ली स्कूटी मेरे हस्बैंड से, और अभी मैं चला रही हूँ। और मोराबादी मैदान में ना हमेशा कोई ना कोई रहते हैं, अभी भी कोई कोई नजर आ रहे हैं यहाँ पे। स्कूटी में किसी को बैठाने सीखी हूँ, चलाने सीखी हूँ, तो आजकल मुझे बहुत ही चलाने मन करता है स्कूटी। ऐसे तो पहले ही सीखी हुई थी थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी जो कि कॉन्फिडेंस आ गया है चलाने का, तो मेरे हस्बैंड को पीछे में बैठा के आराम से मैं चला ले रही हूँ। तो न्यू सीखी हूँ इसीलिए कि क्यों, मुझे बहुत ही चलाने मन करता है, कितनों भी चलाओ मन ही नहीं भरता है, बस चलाते रहने मन करता है स्कूटी। अभी हम लोग पहुँच गए हैं रिंग रोड, और जाने के टाइम भी हम लोग इधर से ही गए थे, रिंग रोड होके मोराबादी और फिर मेन रोड, और आते वक्त भी वैसे ही आए। इधर से हम लोग का ना शॉर्टकट पड़ता है इसीलिए इधर से ही जाते हैं, नहीं तो फिर बूटी मोड़ होके जाते तो फिर घूमना पड़ जाता, इसीलिए शॉर्टकट रास्ता में ही चले गए और जल्दी भी पहुंच गए और जल्दी भी लौट रहे हैं, नहीं तो फिर शाम हो जाता, काफ़ी शाम हो जाता। अभी पहुंच गए हैं गोल चक्कर, और गोल चक्कर में तो गाड़ी रहता ही रहता है, देखिए कितना गाड़ी गुजर रहा है, अब कैसे क्रॉस होंगे देखते हैं। अभी तो थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है, आराम से मैं क्रॉस हो सकती हूँ। गोल चक्कर पार करने के बाद कुछ ही देर बाद हम लोग का घर भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।